Good morning, students. Chapter 1, Globe, the model of our Earth. प्रीवियस क्लास में हम यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं. फन टू नो द प्राइम मेरिडियन इज यूज टू कैलकुलेट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम. जो प्राइम मेरिडियन होती है ये टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को. सो इट इज़ कॉल्ड इट द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसीलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. नाउ अर्थ ग्रिड, अर्थ ग्रिड ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स, इन सब के मिलने से जो एक जाल टाइप का बनता है उसको कहते हैं अर्थ ग्रिड. चलिए रीड करते हैं. द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स विच फ्रॉम अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब. जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सभी इमेजिनरी लाइन्स हैं, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ. और ये क्या है, एक नेटवर्क बनाती हैं ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर. जब लाइन इमेजिनरी है तो जो हमारा ग्रिड होगा ये भी इमेजिनरी होगा. बोथ द लाइन्स इंसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड फॉर्म द ग्रिड. जो ये दोनों ही लाइन्स है एक दूसरे को इंसेक्ट मीन्स कट करती है राइट एंगल पे फ्रॉम द ग्रिड, जो ग्रिड होता है उसमें. जैसे कि यहाँ देखिए ये हमारी कौन सी लाइन आएगी बताइए, लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड. तो जब दोनों एक दूसरे को कट कर रही है तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का. फॉर एग्जांपल इफ वी नो द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ मुंबई, अगर हम मुंबई के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जानते हैं, वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ मुंबई ऑन द मैप और ग्लोब ईजीली. हम मैप और ग्लोब पर ईजीली मुंबई की जो है लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. द लैटिट्यूड ऑफ मुंबई इज 90 डिग्री नॉर्थ. जो मुंबई का लैटिट्यूड है वो कितना है, 90 डिग्री नॉर्थ. एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज 73 डिग्री ईस्ट. और इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, 73 डिग्री ईस्ट. द लोकेशन ऑफ मुंबई विल बी एट द पॉइंट वेयर द पैरेलल ऑफ 90 डिग्री नॉर्थ एंड द मेरिडियन ऑफ 73 डिग्री ईस्ट इंसेक्ट ईच अदर. तो जब ये दोनों लाइनें जो हमारी पैरेलल है 90 डिग्री नॉर्थ की और जो मेरिडियन है 73 डिग्री ईस्ट की, दोनों एक दूसरे को इंसेक्ट करेंगी तो जो पॉइंट बनेगा ये, तो ये क्या कहलाएगा, मुंबई, द इंटरनेशनल डेट लाइन. इन 1884 एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी. वॉशिंगटन डीसी में 1884 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई. इट वाज कॉल्ड द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस. इसको जो है किस नाम से पुकारा गया, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के नाम से. इट डिज़ाइंड द 180th मेरिडियन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन. जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें जो है 180th जो मेरिडियन थी उसको क्या कहा गया, इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में उसको डिज़ाइन किया गया. If we cross it from west to east, a day is added. अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम आते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. इट मीन्स दैट इफ इट इज़ मंडे ऑन द अमेरिकन साइड, अब सपोज करके चलिए कि अगर यहाँ पर अमेरिका साइड में मंडे है विच इज़ इन द
वेस्ट, अमेरिका कहाँ पे है, जो वेस्ट में है। इट विल बी ट्यूजडे ऑन द एशियाटिक साइड, तो जो एशियाटिक साइड है इधर का जो पोर्शन है ये यहाँ पर क्या होगा, ट्यूजडे होगा, विच इज इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट में है। सपोज कीजिए अर्थ है और ये इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, तो इस लाइन के जो इस तरफ डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट, एशिया वगैरह इधर आएगा सब, एशिया इंडिया, और इधर कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि अगर हम वेस्ट से यहाँ अमेरिका से अगर हम इस लाइन को क्रॉस करके इधर आते हैं एशिया पोर्शन में आते हैं तो क्या होगा, वन डे ऐड हो जाएगा, वन डे हम प्लस करते हैं, अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यहाँ फ्राइडे है तो इधर क्या हो जाएगा, सैटरडे, डन। इन द सेम वे इफ वी क्रॉस इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसी तरीके से अगर हम इसको ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं, वी ड्रॉप अ डे, हम एक दिन ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि एक दिन पीछे हो जाते हैं। वी हैव टू करेक्ट द डेट्स व्हेन वी क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी डेट्स को करेक्ट करना पड़ता है। सेम इसी तरह जैसे इसने कहा है, अगर हम यहाँ वेस्ट में हैं, एशिया पोर्शन में हैं या इंडिया में हैं, यहाँ से हम इधर जाएंगे अमेरिका साइड पे, तो क्या होगा, हमें एक दिन ड्रॉप करना पड़ेगा, एक मीन्स माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मंडे है तो इधर क्या होगा, संडे, अगर यहाँ पे फ्राइडे है तो इधर क्या होगा, थर्सडे, डन।